हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बायो सेवर्ट का नियम पढ़ा था और उस नियम में हमने बताया था कि किसी चालक तार से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। और वहाँ हमने एक चालक तार लिया था और चालक तार से कुछ दूरी पर हमने चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र निकाला था। तो वहाँ पर चालक तार आपका सीधा था, ध्यान दीजिएगा, जो बायो सेवर्ट का नियम था वहाँ पर चालक तार कैसा था, सीधा था। अब यदि आप चालक तार को मोड़ कर वृत्ताकार लूप दे देते हैं, चालक तार को मोड़ कर वृत्ताकार लूप तैयार कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने क्या किया कि एक चालक तार लिया और एक चालक तार का हमने एक वृत्ताकार लूप बनाया। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक वृत्ताकार लूप है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमने एक चालक तार का क्या बना दिया, लूप बना दिया, और इसका सेंटर हमने यहाँ पर दे दिया, सेंटर हमने दे दिया ओ, ठीक, सेंटर यहाँ पर हमने दे दिया ओ। यह चालक तार का वृत्ताकार लूप है। देखिए, वृत्ताकार लूप का मतलब क्या होता है कि जब चालक तार को आप मोड़ करके सर्किल बना देंगे, वृत्त के आकार का बना देंगे, तो वही क्या कहलाएगा, वृत्ताकार लूप कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने चालक तार को मोड़ कर एक वृत्ताकार लूप बना दिया है और इस चालक में आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, आई। अब जैसा कि हम लोग ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमको यहाँ पर इस चालक तार को मोड़कर जो लूप बनाए हैं, इस लूप के कारण इस लूप के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वही ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या किए हैं, एक लूप ले लिए हैं और हम यह मान लिए हैं कि इस लूप की जो त्रिज्या है वो R है, मतलब कि R त्रिज्या का हमने एक लूप लिया है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माना R त्रिज्या का एक वृत्ताकार लूप है जिसमें, ध्यान दीजिएगा कि लूप धारावाही है, तो आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही लूप है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इतना हमने लिख दिया। अब आते हैं इसके डेरिवेशन पर। तो ध्यान दीजिएगा कि यह आपका चालक तार है और यहाँ से R दूरी पर, इस चालक तार से R दूरी पर हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस वृत्ताकार लूप का एक छोटा सा खंड हम यहाँ पर ले लेंगे, एक वृत्ताकार, इस ये जो आपका अवयव है इसका एक छोटा सा खंड हम यहाँ पर ले लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी रहेगी, dl। जैसा कि आप जानते हैं कि चालक तार के द्वारा भी हम जब चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, पिछला जो वीडियो था बायो सेवर्ट के नियम में, तो वहाँ पर भी हमने चालक तार का एक छोटा सा खंड लिया था dl, और यहाँ भी हम क्या करेंगे कि इस वृत्ताकार लूप पर एक छोटा सा अवयव लेंगे, छोटा सा खंड लेंगे, और वो खंड क्या रहेगा, dl। अब इस dl लंबाई के कारण, चूंकि धारा तो पूरे में बह रहा है, तो इस dl लंबाई के कारण हम यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि पूरे लूप के कारण निकालेंगे। तो हम पहले यह ज्ञात कर लेते हैं कि इस छोटे से खंड के कारण इस केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद हम पूरे लूप का आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक मार्कर है और इस मार्कर का दाम मान लीजिए 5 रुपये है, तो
तो आप इसके जैसे हजारों मार्कर के मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस लूप के कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस लूप पर एक छोटा सा खंड ले लेते हैं, छोटा सा लघु अवयव ले लेते हैं, और इस लघु अवयव के कारण यहाँ पर हम निकालेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र कितना है। और जब लघु अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा तो हम पूरे के कारण निकाल लेंगे आसानी से। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इस लघु अवयव DL के कारण इसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो DB है। क्योंकि आपका जो लघु अवयव लिया जा रहा है वो खुद ही छोटा है, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी कैसा होगा, छोटा ही होगा। चलिए समझते हैं। लूप के लघु खंड, लूप के लघु खंड DL के कारण, लघुखंड DL के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र DB, ध्यान देना DB, इस लघु अवयव DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र DB इक्वल टू, जैसा कि आप जानते हैं बायो सेवर्ट का हमने नियम पढ़ा था कि बायो सेवर्ट का जो नियम था उस नियम में कहा गया था कि लघु अवयव DL के कारण जो R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र था वो था DB इक्वल टू μ0/4πI dl sin θ/r². इस टॉपिक को समझने से पहले आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर हमने इस फार्मूले को ड्राइव किया था। तो किसी चालक तार के सूक्ष्म अवयव के कारण कुछ दूरी पर, मतलब कि R दूरी पर, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान था वो था DB = μ0/4πI dl sin θ/r². तो यहाँ भी हम इस छोटे से खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकाल रहे हैं, क्योंकि छोटा खंड है तो छोटा ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसीलिए हम क्या मान लिए हैं DB, और DB इक्वल टू सेम सूत्र लगेगा μ0/4πI, धारा इसमें I बह रहा है, छोटा सा लघु अवयव DL वही है। अब यहाँ पर देखना है साइन थीटा क्या है। तो थीटा क्या था कि थीटा जिस बिंदु पर निकालना था चुंबकीय क्षेत्र वहाँ से और इस लघु अवयव को मिलाने वाली जो रेखा थी और इसमें जो प्रवाहित धारा था, इसमें जो प्रवाहित धारा था उसके बीच का कोण था थीटा। तो यहाँ पर तो कोण हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि धारा एकदम सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। चूँकि छोटा सा लघु अवयव लिए हैं तो सूक्ष्म है, तो ये कैसा होगा, सीधा होगा। तो धारा हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और यह जो रेखा है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वह रेखा धारा की दिशा से कैसा है, लंबवत है। तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो IDL साइन 90 डिग्री आप बटे, यहाँ भी दूरी कितना है, हम R ही लिए हैं, वहाँ भी दूरी R ही लिया गया था, जिसके बीच की दूरी R² ये हो गया इस लूप पर छोटे से लघु खंड अवयव DL के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब जब छोटा वाला चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल देंगे तो हम आराम से बड़े वाले, मतलब पूरे लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए मेन जो फार्मूला है वो यही है, DB इक्वल टू μ0/4πI dl sin θ/r². μ0/4πI वही है, धारा I इसमें बही रहा है, छोटा सा लघु अवयव हम DL ही लिए हैं तो DL है, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि आप देख सकते हैं, फिर से एक बार हम समझा दें आपको, यहाँ पर जो धारा है ठीक कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और ये त्रिज्या का काम कर रहा है, जितना दूरी पर आपको निकालना है तो 90 डिग्री हो जाएगा, इसके बीच का कोण 90 डिग्री हो गया, और जो दूरी है वो कितना है, R है, तो यहाँ पर भी हम R ही लिए थे वहाँ पर, तो DB इक्वल टू हो जाएगा μ0/4πI dl sin 90/r² और आप जानते हैं कि sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो DB इक्वल टू μ0/4πI dl sin 90 का मान 1 को छोड़ देते हैं, 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा r², इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो हमारा निकला, यह निकला इस छोटे से
लघु अवयव के कारण, यहाँ से जो छोटा सा लघु अवयव है उसके कारण क्या निकल गया, चुंबकीय क्षेत्र निकल गया। अब हमको क्या करना है कि इस पूरे वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इसी लघु अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है इसी का समाकलन कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समाकलन करने का मतलब क्या है कि अगर ये जो चालक तार है इसके छोटे से लघु खंड के कारण अगर हमको कोई भी चीज़ पता चल जाए तो उसका जब समाकलन करते हैं तो पूरा का निकल जाता है। ठीक वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे कि इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे। तो समाकलन करते हैं तो लिखेंगे यदि संपूर्ण लूप के कारण, संपूर्ण लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र B हो तो संपूर्ण लूप के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र B है तो हम उस B को ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, इस सूक्ष्म लघु अवयव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकाले हैं उसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करेंगे तो पूरा का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, इस लंबाई को अगर हम बढ़ाते जाए तो पूरा लूप क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसी को तो हम समाकलन करना कहेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि इसका मान लिखेंगे। तो B इक्वल टू, मान रखिए ये जो आपका ये गोला देख रहे हैं ना वृत्त जैसा, ये बता रहा है कि हम पूरे लूप का, संपूर्ण लूप का समाकलन कर रहे हैं। तो DB का मान समीकरण एक से रख देंगे, म्यू जीरो बाई फोर पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि जब हम समाकलन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि इसमें चेंजिंग कौन होने वाला है, कौन जो है हमारा परिवर्तन हो रहा है। तो म्यू जीरो बाई फोर पाई तो परिवर्तन हो नहीं रहा है क्योंकि कांस्टेंट है। आई धारा इसमें है तो आई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। आर त्रिज्या है लूप का, ये भी नहीं परिवर्तित हो रहा है। तो भैया परिवर्तित होने वाला कौन है, इसमें परिवर्तित होने वाला कौन है, लंबाई है, डीएल है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो बी इक्वल टू म्यू जीरो बाई फोर पाई कांस्टेंट है ये, इसका समाकलन होगा नहीं। आई बटे आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, बचने के नाम पर बचा बस डीएल। अब इसी सूक्ष्म लंबाई का हमको समाकलन करना है। तो डीएल आखिर होगा कितना, इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो डीएल देखिए छोटी सी लंबाई है और अगर हम संपूर्ण, छोटी सी लंबाई है अगर हम संपूर्ण लूप लेते हैं तो डीएल बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा होगा, अधिकतम होगा। तो इस लूप की परिधि के बराबर ही होगा, कितना होगा, लूप की परिधि के बराबर, क्योंकि डीएल छोटा सा खंड है। अगर ये बढ़ाएंगे संपूर्ण लूप का निकालेंगे, मतलब संपूर्ण लूप में जो तार लगा है, जिस तार को मोड़ कर हम क्या बनाए हैं, लूप बनाए हैं, तो ये बढ़ते बढ़ते आखिर कितना बड़ा होगा, तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा। मतलब डीएल का हम समाकलन करेंगे तो कहाँ तक जाएगा, उस वृत्त की परिधि के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू म्यू जीरो बाई फोर पाई आई बटे आर स्क्वायर और डीएल कितना होगा, तो टू पाई आर होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। तो टू पाई आर होगा तो वृत्त की परिधि के बराबर होगा 2πr, क्योंकि डीएल लंबाई देखिए बढ़ते 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 पूरे वृत्त को, वृत्ताकार लूप को ही क्या करेगा, कवर करेगा। तो 2πr हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, दो से दो दूना चार कैंसिल हो गया। तो फिर बचा क्या, बचने के नाम पर देखिए क्या बच रहा है, म्यू जीरो आई ऊपर बच गया, क्योंकि देखिए एक आर से एक आर कट गया है, पाई से पाई कट गया, दो से ये चार कट गया दो बार में। तो नीचे देखिए क्या बच रहा है, केवल टू बच रहा है और आर बच रहा है। तो म्यू जीरो आई बाई टू आर ये निकल गया वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यदि हम मान लें कि इस लूप में यन फेरा लगाया गया है, माने तार का जो लूप बना है
वो एक फेरा से नहीं बना है, ऐसे ऐसे एन फेरा है, तार के एन फेरे लगाए गए हैं। तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी केंद्र पर, वह एन गुना बढ़ जाएगा। तो एक फेरा के लिए यह है, और जब एन फेरा होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एन गुना बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे, यदि लूप में फेरों की संख्या एन हो तो चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो एन आई बटे टू आर, म्यू जीरो एन आई बटे टू आर, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात कर ले म्यू जीरो का, तो म्यू जीरो क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। देखिए जहाँ भी चुंबकत्व की बात आती है वहाँ पर चुंबकशीलता जरूर आता है, तो म्यू जीरो निर्वात की चुंबकशीलता है। और इसका जो मान होता है वो होता है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आर त्रिज्या के धारावाही लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यह हो जाएगा एक फेरा के लिए। और अगर चालक तार का एन फेरा लगाकर धारावाही लूप बनाया गया है, तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हो जाएगी म्यू जीरो एन आई बाई टू आर। तो ये रहा हमारा धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी से संबंधित अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।